पहले हम इसका जो छोटा पार्ट होता है वो कट करते हैं, जैसे कि ये गोलियां हैं, तो सबसे पहले हम इन गोली गोली को बनाएंगे। सांझी में जो भी हम कटिंग करते हैं, सबसे पहले जो छोटा पार्ट होता है डिजाइन के अंदर वो पहले कट किया जाता है, क्योंकि बड़ा पार्ट हम पहले कट कर देते हैं तो छोटा वाला बनाते समय टूट जाता है अक्सर, तो इसलिए पहले हमको छोटा पार्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद हम बड़ा पार्ट बनाएंगे। जैसे हम गोला बना रहे हैं गोल गोल, तो उसका एक अच्छा टेक्निक है, टिप करिए, हल्का सा कट कीजिए, पेपर को घुमाइए, फिर कट कीजिए, फिर घुमाइए, लेफ्ट हैंड वाला हाथ घूमता जाएगा, हर कट पे आप पेपर को घुमाइए तो आपका गोला बन जाएगा। जैसे हमने कोई भी डिजाइन बनाते समय आपको बताया कि सेंटर में पॉइंट करेंगे, फिर कॉर्नर पर जाएंगे, फिर हमको राइट साइड जाना होता है। पेपर कटिंग करते समय एक चीज़ विशेष ध्यान रखी जाती है कि जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहीं पे हमको ख़त्म करना होता है। अगर हम बीच में दूसरी तरफ से जाएंगे, जैसे कि आइडिया के लिए हमने यहाँ से ख़त्म किया, हम यहाँ आ गए, अपना यहाँ हो गया, अब हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से उल्टा जाने की, वो इस रॉन्ग होगा। आपको वापस उसी तरह आना है जहाँ से आपने शुरू किया है। एक बार हम फिर दोहरा रहे हैं, जब हम सांझी का खाका बनाएंगे तो नीचे हमारा फिंगर होना चाहिए, जिससे कि सपोर्ट मिलती है काम को। अगर फिंगर नहीं रखेंगे तो पॉइंट करने में कागज फट भी सकता है, नीचे हमारा फिंगर जरूर होना चाहिए।
अभी काम करते करते विचार आया कि इसमें चिड़िया बनानी चाहिए।